सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में ट्रस्ट के सचिव नरेंद्र सहजपाल की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र सहजपाल ने बताया कि कोरोना काल के चलते ट्रस्ट महाकाली मंदिर में भजन संध्या एवं लंगर को विश्राम दिया गया था, लेकिन जल्द ही अब फिर से भजन संध्या व लंगर की शुरुआत की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर का नव निर्माण भी किया जा रहा है, जिसे मां के दरबार को और सुंदर बनाया जा रहा है। इस मौके पर ट्रस्ट के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। ट्रस्ट महाकाली मंदिर देवी तालाब में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। महारानी की कृपा से मंदिर में भक्तों के लिए पूरी अच्छी तरह से काम खड़ा हो रहा है, और कोरोना के कारण सभी को अपने मास्क पहनकर ही आना चाहिए, और अभी ये बीमारी खत्म नहीं हुई है। हमारी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से सभी को ये खास विनती है कि मंदिर में शुद्धता को और बढ़ाएं, और मंदिर की देखरेख सफाई व्यवस्था सभी को हमारे साथ सहयोग करें। भगवती माँ की कृपा से बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना खत्म होने के बाद लंगर की व्यवस्था भी चालू की जाएगी, और भजन संध्या भी अभी कोरोना कारण के कारण बंद है। भगवती माँ की से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी को जल्दी खत्म करे और कुल दुनिया का भला करे, यही मेरी विनती है। जय माता दी।